सभी टेक्नीशियन भाई को नमस्कार। कैसे हैं? आज की वीडियो में हम डाइकिन ये वाली बोर्ड इसके बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड को कैसे सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लाइन से, कैसे ऑपरेट होता है, जो ऑपरेशन होता है कैसे होता है, कैसे बोर्ड जो है सॉफ्ट स्टार्ट होती है, कैसे इनडोर से एक बार जो फेज का सिग्नल आता है और बोर्ड को स्टार्ट करके चला जाता है, इसी के टॉपिक में आज बात करेंगे हम लोग। ये जनरली इस बोर्ड में वन टाइम के लिए इनडोर से फेज का करंट आता है, जिससे कि ये सॉफ्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब रिले वगैरह ऑन हो जाती है, उसके बाद जो लाइन है कंटिन्यू लाइव हो जाता है पूरे टाइम के लिए। ठीक है, देख लिए, पीसीबी ये है। ठीक है, हम इसको सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे सॉफ्ट स्टार्ट होता है, कैसे रिले वगैरह ऑन होती है, कैसे एसएमपीएस चालू होता है। ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर वगैरह कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है गाइज, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ये सर्किट डायग्राम बना रखी है, पूरे बोर्ड का सर्किट डायग्राम है मेरे पास। आज की वीडियो में हम खाली एसएमपीएस और ये दो रिले की वर्किंग और सॉफ्ट स्टार्ट कैसे होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। ये हमारी न्यूट्रल की लाइन है जो डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट है, और हमारी जो लाइन है ये वाली लाइन, जो ये लाइन है ये रिएक्टर के थ्रू जाएगी। जनरली डाइकिन में रिएक्टर का जो यूज है बैलेंस करने के लिए है, करंट को बैलेंस करने के लिए या कह सकते हैं स्टेबल रखने के लिए है। तो ये जनरली दो रिले यूज होती है डाइकिन में, जो बोर्ड दिखाई ना आपको इसमें दो रिले यूज होती है। एक रिले यहाँ पे है और एक रिले ये आगे लगी रहती है यहाँ पे, MRM10 ये रिले लगी रहती है यहाँ पे, इसको कोई निकाला हुआ है, और एक रिले ये है। MR30 मैं भी इसमें लिखा हूँ, MR30, और इसमें भी MR30 है, और एक रिले ये है MRM10 करके, दो रिले है। एक हमारी स्टार्ट के लिए रिले लगी हुई है जो M10 है, और एक हमारी जो रिले है वो लाइन को कंटिन्यू लाइव करने के लिए है, और इसी बोर्ड में एक ओवरलोड लगी रहती है, उसको बाद में देखेंगे। पहले तो SMPS बनाना सीखेंगे, सॉफ्ट स्टार्ट कैसे हो रही है बोर्ड। ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन की लाइन है, ये मेन लाइन है। ठीक है, जो जिसमें फेज आती है, तो जनरली कम्युनिकेशन में इनडोर से जैसे ही लाइव आता है, जैसे ही लाइन वोल्टेज वन टाइम के लिए आती है, ये जो रिले है इस पॉइंट से इस पॉइंट में, यानी ये फिक्स पॉइंट है हमारी, ये कॉमन है, ये एनओ मान लो, इसको एनसी मान लो, तो एनओ से फिक्स जो पॉइंट है उसके थ्रू लाइन हमारे ऐसे बढ़ती है, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। ये 51 ओम की 5 वाट की रजिस्टर लगी हुई है, जिसमें से ये हाफ वेव एक डायोड लगी है, तो हाफ वेव बनते हुए ये हमारा कैपेसिटर सॉफ्ट स्टार्ट होगा वन टाइम के लिए। ठीक है, समझ गए ना, वन टाइम के लिए जब फेज करंट आएगी इंडोर पीसीबी से, तो ये हमारी जो फेज है ये एनो पॉइंट से होते हुए ये फिक्स कॉन्टेक्ट में जुड़ा हुआ है, ऐसे ये जुड़ी हुई है। ठीक है,
जैसे ही फेज लाइन ऐसे चलेगी, इसका जो करंट का फ्लो है ऐसे चलेगा, ये रजिस्टर से होते हुए हाफ वेव बनते हुए ये हमारी जो बड़ी कैपेसिटर है जो 300 वोल्ट मेन, जो 330 वोल्ट का मेन जो फिल्टर है वो चार्ज होगा। और जैसे ही ये चार्ज होगा ये फ्यूज से होते हुए, ये हमारी ये SM ट्रांसफार्मर से घूमते हुए ये MOSFET के इसमें आ जाएगा, ये वाले पिन में आ जाएगी। ठीक है, अब ये MOSFET हमारा सॉफ्ट स्टार्ट ऑन हो जाएगा। यहाँ से ये तीन रजिस्टर लगी हुई सीरीज में, यहाँ से इसके गेट को क्या है कुछ पल्स मिलेगी जिससे कि ये सॉफ्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा MOSFET। और जैसे ही MOSFET ऑन होगा तो यहाँ हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, यहाँ मैग्नेटिक बनेगा, मैग्नेटिक जो भी बोलो आप, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में ये तब्दील होगा जो क्वाइल है। और जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा ये हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें कुछ वोल्टेज बनेंगे, जब वोल्टेज बनेंगे तो जैसे तीन डायोड लगी हुई है इधर, एक डायोड 15 वोल्ट के लिए, एक डायोड 12 वोल्ट के लिए और एक डायोड 6 वोल्ट के आसपास बनाएगा, जिसको हम 78.5 से 5 वोल्ट बना करके। हाँ, अब जैसे यहाँ मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा यह वाइंडिंग इफेक्ट होगी और यहाँ भी कुछ जो करंट है वो बनेंगे यानी बनना चालू होंगे। जैसे ही करंट बनेंगे तो ये फीडबैक का सर्किट में आ जाते हैं, मतलब ये जो आईसी लगी है ना TNY288PG ये तो बाद में वर्किंग में आएंगी। ठीक है, हमारा ये MOSFET का रोल पहले रहेगा सॉफ्ट स्टार्ट के लिए। जैसे ही हमारा 15 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट बनना चालू होंगे तो हमारा यह फीडबैक का नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये ऑप्टो कपलर है आइसोलेशन के लिए या फीडबैक देने के लिए, यह PWM IC को फीडबैक दे रही है। जैसे ही वोल्टेज बनेंगे हमारे इस नेटवर्क से ये IR LED ऑन होगी, ऑप्टो कपलर है ये, PC 817 लगा सकते हैं यहाँ पे ख़राब हो जाए तो। तो जनरली ये डिवाइड करके 2.4 वोल्ट है, ये TL431 है, तो TL431 में ये वाली पिन में 2.4 वोल्ट फिक्स कर देते हैं। समझो हम यहाँ कुछ वोल्टेज फिक्स कर देते हैं ये आउटपुट के थ्रू। अब हमारी 5 वोल्ट से तो ज़्यादा चाहिए नहीं अपन को, तो अपन वोल्टेज यहाँ पे फिक्स कर देते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में। ये IR LED कंडक्ट होगी और ये ऐसे फ्लो हो जाएगा करंट जो है। अब इसको तो फिक्स वोल्टेज मिलना चालू हो जाएगी तो ये क्या करेगा गेट के लिए, यहाँ से ऑन हो जाएगा। यहाँ से तो इसको पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन ये IC के थ्रू इसको इधर से निगेटिव मिलेगा। और इस प्रकार हमारा जो SMPS है चालू हो जाएगा। जैसे ही 5 वोल्ट बनेंगे हमारे MCU को मिलेगा ये 5 वोल्ट। MCU को 5 वोल्ट मिलते ही हमारी दो रिले है इसको भी ऑन करना है, तो हम पहले जो कम्युनिकेशन लाइन से जो रिले कनेक्ट है उस रिले को पहले ऑन करेंगे। तो ये MCU के 23 नंबर पिन से इस NPN ट्रांजिस्टर को बेसिंग वोल्टेज मिलेगा, ये बायस रजिस्टर के थ्रू 3.3 किलो ओम का है, इसके थ्रू इसके बेस को कुछ करंट मिलेगी। करंट मिलते ही ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इस रिले को ऑन कर देगा। और ये जो 22 किलो ओम की जो रजिस्टर लगी है ये पुल डाउन की हुई है, जब MCU रिले को ऑफ रहेगा तो ऑफ रखेगी, तो कंटिन्यू ऑफ करने के लिए यानी बेस को पूरी तरह से बंद करने के लिए हम कोई भी ट्रांजिस्टर को पुल डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही 23 नंबर पिन से
इसके बेस को सिग्नल मिलेगी, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इस रिले को ऑन कर देगी। और रिले जैसे ही ऑन होगी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो कनेक्शन है ये बंद हो जाएगा और ये हमारी जो पिन है, जो प्लंजर की पिन है, रिले के अंदर क्या होती है, प्लंजर होती है, फिक्स कॉन्टेक्ट और एक मूवेबल कॉन्टेक्ट, तो ये मूवेबल जो पत्ती है यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारा जो लाइन जो है ऐसे फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसी जैसे ही यहाँ हमारी लाइन आएगी और जैसे ही ये हमारी रिले ऑन होगी, जैसे ही हम 12 वोल्ट देंगे यहाँ से, अब SMPS तो सॉफ्ट स्टार्ट हो गया। अब क्या है, इसको परमानेंट ऑन करना है। अभी क्या है, इस रिले के थ्रू चल रही थी, कम्युनिकेशन से चल रही थी, वन टाइम के लिए सिग्नल आएगी लाइन फेज जो है इनडोर से। SMPS चालू होगा, MCU को 5 वोल्ट मिलेंगे, सारा प्रोग्राम ऑन होगा और दोनों रिले ऑन हो जाएगी। जैसे ये रिले ऑन होगी तो हमारा जो लाइन है, ये लाइन जो है यहाँ से जो यहाँ रुका हुआ था वो ऐसे फ्लो हो जाएगा। और ये जब ऐसे फ्लो होगा तो रिएक्टर के थ्रू हमारे ब्रिज रेक्टिफायर को 220 वोल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे ही 220 वोल्ट मिलना चालू होंगे, अब ये वाली जो पिन है हट जाएगी, यहाँ से जो सॉफ्ट स्टार्ट हुआ वो ख़त्म हो गया, वन टाइम के लिए रहता है। और यहाँ से जैसे ही रिएक्टर के माध्यम से 230 वोल्ट इस ब्रिज रेक्टिफायर को मिलेंगे और हमारा जो परमानेंट जो 330 वोल्ट है, जो परमानेंट 330 वोल्ट है वो बनना चालू हो जाएंगे और हमारी यह जो साइकिल है कंटिन्यू चलती रहती है। इस प्रकार हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है डाइकिन में चलता रहता है। ज़्यादातर डाइकिन के PCB में ऐसा फंक्शन दिया हुआ है सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, इसको स्टार्टअप बोल सकते हो आप, बाकी कोई PCB में ऐसा कोई माध्यम नहीं है। आप समझ गए ना, TN-WIDO 288 इस PWMIC का नंबर है जो इसके गेट को, नहीं गेट तो यहाँ से मिल रही है, गेट ड्राइव जो यहाँ से मिल रही है, इसको यहाँ से ये ग्राउंड मिलेंगे, यहाँ से पॉजिटिव मिलेंगे। इस प्रकार ये MOSFET क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव को लड़ाएगा और यहाँ मैग्नेटिक क्षेत्र पैदा होंगे और वोल्टेज बनेंगे, और जब वोल्टेज बनेंगे तो ये हमारे ऑप्टो कपलर के थ्रू इस IC को फीडबैक मिलेंगे। जैसे ही सॉफ्ट स्टार्ट होगा और वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए हम लोग फीडबैक नेटवर्क बनाते हैं, तो यहाँ कुछ नेटवर्क और डिवाइडिंग जो कुछ रजिस्टर के माध्यम से वोल्टेज को डिवाइड करते हैं और इस TL431 के पिन को दे देते हैं और ये अपने हिसाब से इस IR LED को कंट्रोल करती है और फीडबैक जो है हमारे इस IC को मिलता रहता है। इस प्रकार हमारा SMPS जो है डाइकिन में काम करता है। दो रिले का मेन रोल है, एक रिले यहाँ ओवरलोड भी लगा रहता है, जैसे ओवरलोड आप लगाएंगे नहीं ना तो ये रिले ऑन नहीं होगी, तो ये PCB कुछ टाइम के लिए ऑन रहेगी, जब तक ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा तब तक ऑन रहेगी, जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा SMPS ऑफ हो जाएगी। तो आपको जैसे ही वन टाइम के लिए आप लाइन देते हैं इस कम्युनिकेशन से, इस लाइन वाले पॉइंट में आप टच करते हैं तो PCB सॉफ्ट स्टार्ट हो जाती है इस पॉइंट के माध्यम से, ऐसे यहाँ से। तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग कैसे, ये ट्रांजिस्टर कभी कभी ख़राब हो जाता है, NPN Q1, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से ये रिले ऑन नहीं होती, फिर भी हमारा IPM के लिए वोल्टेज नहीं बनते हैं। ये 20 UF का 450 वोल्ट का DC कैपेसिटर है, दो ब्लैक कलर का आता है, नॉन पोलर कैपेसिटर। जनरली ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाती है या इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो हमारा कंप्रेसर जो है कुछ टाइम के लिए चलता है, बंद हो जाता है, ऐसा फॉल्ट आ जाता है। अब रिएक्टर का काम देख लो, इसमें तो PFC सर्किट है ही नहीं, तो ये क्या है, स्टेबल रखने के लिए है, जनरली करंट को स्टेबल रखने के लिए इसका यूज हुआ है। दो रिले MRM10 और MR10 दो रिले का यूज है,
ये हमारी परमानेंट रिले है, ये हमारी शॉर्ट स्टार्ट रिले है। ठीक है दोस्तों, दो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर दोनों कभी कभी ख़राब हो जाती है तो हमारा पीसीबी ऑन नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।